हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। एक नए टॉपिक के साथ अब आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट हुआ हूँ। नया टॉपिक का नाम है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। उम्मीद है कि आप लोगों के सुपर पोजिशंस वगैरह सब क्लियर हो गया होगा। जो भी डाउट्स वगैरह रहता है कि आप लोग मेरे कॉन्टैक्ट्स पे, आप व्हाट्सएप पे मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं उस पर आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पर जाने से पहले आप लोगों को एक चीज़ मैं जरा पिछले एक बार कॉन्सेप्ट में लेके चलता हूँ। पिछला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है कूलम्ब फोर्स। फोर्स, कूलम फोर्स से पहले भी जो फोर्स होते हैं नेचर में, जनरली दो तरह के होते हैं। फोर्स के लिए हम लोग जब बात करते हैं तो दो तरह के फोर्सेस पाए जाते हैं। पहला कॉन्टैक्ट फोर्स, CF, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, जिस फोर्स को लगाने के लिए आपको कॉन्टैक्ट की जरूरत पड़ती है, जैसे कि हमारे पास फ्रिक्शन, जैसे कि पुश अगर किसी को आपको करना है या पुल आपको करना है, ये सब फोर्सेज कैसे हैं हमारे पास, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। दूसरा होता है हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, NCF, यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसमें आपको कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि दो मैग्नेट मैग्नेट है, दो मैग्नेट मैग्नेट को अगर आपको फोर्स एक्सपीरियंस करवाना है तो आपको नहीं जरूरत पड़ती। जैसे कि हमारे पास अर्थ है, अगर मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है तो मैं अगर इसे ड्रॉप करने के लिए मैं जाऊं तो अर्थ ने अपना हाथ नहीं बढ़ाया कि बेटा आ जाओ मैं तुम्हें खींच रही हूं, तो इसलिए ये भी कैसा है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो इसी तरीके से अब मुझे जरा आप बताइए कि सोचिए कि जो आपने अभी कूलम फोर्स पढ़ा है वो दोनों में से कौन से कैटेगरी में आता है, कॉन्टैक्ट में या नॉन कॉन्टैक्ट में। आपने अगर डेमो में देखा हो तो डेमो के अंदर हमारे पास जो दो स्ट्रो थे या स्टिक वाला डेमोन्स्ट्रेशन था, मैंने उन्हें कॉन्टैक्ट नहीं किया था, तो इसका मतलब हमारे पास वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे थे, और जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे थे वो कैटेगरी कौन सी थी, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इसलिए इसका मैं जो एग्जाम्पल मैं रख रहा हूं यहां पर, इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स, ये भी किसका एग्जाम्पल है हमारे पास, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। तो दो तरह के फोर्सेस हमारे पास होते हैं। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आपके पास मैंने एग्जाम्पल्स दिए, तो मुझे मेन मतलब है अपने इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, इसलिए मैं सारा डिस्कशन करूंगा इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बाद। तो इतना कंफर्म हो गया कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इस नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को हम एक नया नाम देते हैं जिसे हम बोलते हैं फील्ड फोर्स, जिसे हम नया नाम देते हैं फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स से यहां पे कहने का मतलब क्या है, फील्ड, सबसे पहली चीज फील्ड का मतलब क्या है, फील्ड का मतलब है सिंपल यहां पे एक स्पेस। तो जी फील्ड फोर्स यानी कि जो भी लोग डायरेक्ट टच नहीं कर सकते, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज जो फोर्स लगा रहा है वो डायरेक्ट टच नहीं कर सकता, वो अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है। जैसे कि आप लोगों ने अगर मिशन मंगल मूवी देखी हो तो हमारे पास अर्थ थी, एक एग्जांपल उसमें बोला जाता है कि इस हमारी जो सैटेलाइट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलना पड़ेगा। इसका मतलब अर्थ भी हमारे पास एक ग्रेविटेशनल फील्ड बनाती है, आपने 11th में पढ़ा भी है ये ग्रेविटी वाले चैप्टर में। तो सेम काम, अगर अर्थ ने हमारे पास बनाया था तो हमने ग्रेविटेशनल फील्ड नाम दिया। तो सिमिलरली जब इलेक्ट्रिक चार्ज बनाएगा तो इलेक्ट्रिक चार्ज अपने चारों तरफ जो फील्ड बनाएगा उसे मैं नाम दूंगा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि द स्पेस अराउंड द चार्ज इज सेड टू बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब ये चीज है कि हमें ये चीज दिखती है, महसूस होती है, क्या होता है। तो सबसे पहले दिखाई तो नहीं देती थी, लेकिन महसूस हम इसे कर सकते हैं। महसूस हम इसे इस तरीके से कर सकते हैं, आपने अपने उसमें डेमोज में आपने उसे देखा है कि हाँ वास्तव में ये चीज होता है। तो इसके लिए हम लोग डिस्कशन कैसे करते हैं, सपोज करो ये मेरे पास एक कैपिटल क्यू चार्ज है और ये एक स्मॉल क्यू चार्ज है, इनके बीच में सेपरेशन है आर। आपको कूलम फोर्स आपसे पूछा जाता है तो आप आराम से निकाल देंगे कि 1/4πε0 Q Q/r2। लेकिन मेरा क्वेश्चन यहां पर यह है कि इस क्यू को यहां पर पता कैसे लगा कि तेरे को बेटा कोई खींच रहा है या कोई दूर भगा रहा है, या इस क्यू को कैसे पता लगा कि कोई रास्ते में आ गया है। जैसे कि इस एग्जांपल को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कोई एक पॉलिटिशियन है, एक कोई पॉलिटिशियन कहता है कि हमारा पूरा का पूरा एक मेरा रीजन है, पूरा का पूरा मेरा एक इलाका है। हालांकि अब आप बोलोगे कि इलाका तो कुत्तों का होता है, लेकिन हम लोग जब बात करते हैं तो एक रीजन की हम बात कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर तो वो कहता है कि मेरी एक बाउंड्री है, जैसे अगर हमारे अगर कोई आप बात करें तो चेयरमैन, चेयरमैन का इलाका कहां तक का होता है, अपने नगर तक होता है। अगर हम बात करें एक CM की, उसका पूरा स्टेट तक होता है। बात करें PM की तो PM का हमारे पास पूरा का पूरा इलाका कहां तक का होता है, वो पूरा एक देश तक होता है। तो अगर उस देश की बाउंड्री में आप सोचो अगर कोई एंटर करता है, अगर कोई एंटर करता है तो उसे पता लग जाएगा कि हाँ किसी ने एंटर किया है। तो इसका मतलब उसने बाउंड्री पे कुछ अपनी लिमिटेशंस लगाई हुई है, वहां तक का कोई चीज है जो उसे डिटेक्ट करके बता रही है। जैसे कि एक स्पाइडर होता है, स्पाइडर का जाल होता है, इसे आप इस तरीके से समझिए। मकड़ी जो होती है वो अपना जाल बनाती है, वो अपना जाल किस तरीके से हमारे पास बनाती है, चारों तरफ इस तरीके से अपना जाल बनाती है। तो अगर कोई कीड़ा उसके पास आता है, तो कीड़ा उसके पास आता है तो उसे क्या होता है, पता लग जाता है कि सपोज करो कि कीड़ा यहां पर आया तो उसे यहां पर पता लग जाता है कि हाँ कोई तो है।
तो इसका मतलब कोई चीज है जो इन चीज को जोड़ के रखती है, और वो क्या है हमारे पास, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस चीज को हम लोग मेजर कैसे करें, इस चीज को हम मेजर कैसे करें, तो इस चीज को आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, ये मेरे पास कोई एक स्मॉल क्यू चार्ज है, मेरे पास कोई कैपिटल क्यू चार्ज है, इसने अपना कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखा हुआ है चारों तरफ एक्स। फॉर एन एग्जाम्पल, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है एक्स। ओके, तो जैसे ही ये सपोज करो वन कूलम का कोई चार्ज आया, वन कूलम का चार्ज आया, तो इसने देखा कि भाई मेरे पास कोई फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, वन इंटू एक्स, इस पर फोर्स लगा वन इंटू एक्स। मैंने क्या करा, इस चार्ज को मैं लेके आया, इस बार दगदुनी ताकत के साथ आया, तो इसके ऊपर हमारे पास अगर मैं दो चार्ज में लेके आया तो इसके ऊपर अब फोर्स लगा टू इंटू एक्स। सिमिलरली मैं इसके चार्ज को अगर बढ़ाता जाऊं तो हमारे पास इस पे लगने वाले फोर्सेस और बढ़ते जाएंगे, लेकिन क्या इसने जो अपना फील्ड बना रखा था वो बदला क्या, तो आंसर है नहीं बदला, वो हमारे पास क्या है, सेम है। तो इसका मतलब मैथमेटिकली अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर ये जो चार्ज है वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो दो चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, पहला इसका अपना खुद का मैग्नीट्यूड कितना है, जो कि ये, यानी कि ये जिसे मैं स्मॉल क्यू बोल रहा हूं, जिसे मैं लेके आ रहा हूं बार बार, और दूसरा इसका फील्ड स्ट्रेंथ अपना कितना है। अब इसकी फील्ड स्ट्रेंथ को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, दैट इज ई, यानी कि एफ इज इक्वल टू क्यू इन टू ई, जहां पर क्यू क्या है, जिस चार्ज को आप टेस्ट कर रहे हैं। तो मैं चार्जेस को यहां पर नॉमिनेशन दे रहा हूं, जो चार्जेस जिसे आप टेस्ट कर रहे हैं उसे हम यहां पर बोलेंगे टेस्ट चार्ज, और जो चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है उसे मैं यहां पर बोलूंगा सिंपल सोर्स चार्ज। तो टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड में बार बार मैं चेंज कर सकता हूं क्योंकि मुझे इसे टेस्ट करना है। ओके, और सोर्स चार्ज यानी कि जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास प्रोवाइड कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ये सिंपल एक मैग्नीट्यूड की टर्म में मैंने लिखा है एफ इज इक्वल टू क्यू इन टू ई, यानी कि अगर मैं बात करूं इसे टर्म में तो ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, दैट्स द सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन क्योंकि फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास एक किस तरह से क्वांटिटी होगा, वेक्टर, क्योंकि चार्ज स्केलर है, फोर्स वेक्टर था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब क्वेश्चन यहां पर ये उठता है कि इसकी डायरेक्शन कहां पे होगी, कैसे इसकी डायरेक्शन को हम मेजर करेंगे और किस किस तरीके से हम मेजर करेंगे। अब इस चीज को जरा आप इस तरीके से आप समझे, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पर ये हमारे पास एक सोर्स चार्ज है, ये हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है, ठीक है। तो आप लोगों ने इतना देखा है कि सोर्स चार्ज अपना फील्ड बना रखा है और टेस्ट चार्ज अब उसे फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। ओके, आप जरा सोचे, ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को कहां पर फेंक के मारेगा, दूर फेंक के मारेगा, जा तो दूर जा। तो इसका मतलब अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, अगर यदि हमारे पास सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हमारे पास डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, हमेशा अवे, पॉजिटिव से अवे होगी, यानी कि वो अपने पास जो भी चार्जेस आएगा पॉजिटिव वाले को वो दूर भगाएगा। दूसरा, अगर हमारे पास यहां पर कोई एक नेगेटिव चार्ज हमारे पास आ जाता है, अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो इसे क्या काम करेगा, नेगेटिव चार्ज को। तो आप जरा सोचे, अगर ये सोर्स चार्ज हमारे पास ये नेगेटिव हो जाए, तो अगर ये नेगेटिव हमारे पास हो जाए सोर्स चार्ज, अगर हमारे पास नेगेटिव हो जाए, तो तब ये इस वाले को क्या काम करेगा, ये कहेगा बेटा आजा। तो जब ये अपने पास बुलाएगा तो इसका मतलब ये इधर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब टुवार्ड्स द, इसका मतलब अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, टुवार्ड्स द सोर्स चार्ज। अगर मुझे एरो से इंडिकेट करना पड़े तो पॉजिटिव के लिए मैं ऐसे इंडिकेट करूंगा जो कि दूर की ओर होगी फॉर पॉजिटिव, और नेगेटिव के लिए मैं इंडिकेट करूंगा इधर की तरफ से, जो कि हमारे पास इसकी तरफ को इशारा करेगी। ये इसकी डायरेक्शंस की बात। तो इसे अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं और इसकी एक प्रॉपरली अगर मुझे डेफिनेशन बनानी पड़े तो मैं किस तरीके से बनाऊंगा, जरा एक बार इसकी डेफिनेशन वाला काम भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा कि जो भी हमारे पास फोर्सेस होगा, जो कूलम फोर्स होगा, दैट इज सिंपल कितना होगा इन दोनों के बीच में, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और अगर मैं डायरेक्शन की इसकी बात करूं तो डायरेक्शन अगर ये पॉजिटिव है तो स्मॉल क्यू पे लगने वाला फोर्स आर कैप में इसकी डायरेक्शन को मैं बोल सकता हूं, दैट इज द वेक्टर फॉर्म। सो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मुझे ये निकालना है एफ अपॉन क्यू, सिंपल। क्या बचा,
1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप. सो दैट एफ अपॉन क्यू, अभी अभी हमने क्या बोला था इसे ई, तो दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल एक्सप्रेशन आया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर. तो यहां से आप देखेंगे जो हमारे पास ये ई है, ये सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड में मैं बात करूं तो दो चीजों के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है. पहला कैपिटल क्यू यानी कि सोर्स चार्ज, दूसरा इनके बीच का सेपरेशन आर. तो अगर इन दोनों के बीच में मुझे ग्राफ बनाना पड़े, आप जरा सोचे अगर मैं कैपिटल क्यू की स्ट्रेंथ को मैं बढ़ाता जाऊं, कैपिटल क्यू की यानी कि चार्ज पहले 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम, तो इसका मतलब फील्ड की स्ट्रेंथ भी हमारे पास बढ़ती जाएगी. तो इसका मतलब ई और क्यू में अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो जितना क्यू बढ़ रहा है उतना ही ई मेरे पास बढ़ रहा है. दोनों के बीच में ग्राफ कैसा आएगा, डायरेक्टली आएगा. सेम अगर ई और आर स्क्वायर में अगर मैं ग्राफ बनाने के लिए मैं जाऊं, ई और आर स्क्वायर दोनों इनवर्सली हमारे पास है, तो ई और आर का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो सिंपल ये कैसा आएगा, एक इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे पास ये रिप्रेजेंट करेगा. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास एक छोटा सा काम है जो कि बताता है कि एक चार्ज है तो वो अपने चारों तरफ एक रीजन को बनाता है. तो अगर मुझे इसे अब डिफाइन करना पड़े सिंपल, यहां से अगर आप ये पूरी की पूरी आपके पास एक डेफिनेशन है जो कि ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू की टर्म में अगर मैं लिखता हूं, इफ Q is 1 coulomb या 1 unit अगर मैं बात करूं 1 unit, तो E is equal to हमारे पास बचता है F. तो इसका मतलब किस तरीके से हम लोग इसे डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, Q 1 unit है हमारे पास, तो इसे अपन लैंग्वेज में से हम बना सकते हैं कि द फोर्स एक्सपीरियंस बाय, किसने एक्सपीरियंस करा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज. आप चाहे नेगेटिव ले सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हम नेगेटिव सिंबल को मोस्टली हम अवॉइड करना चाहते हैं, तो हम इसलिए सिंपल एक पॉजिटिव चार्ज के लिए डिस्कशन कर सकते हैं. नेगेटिव लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव में हमारे पास इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर की तरफ हमारे पास बुला लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा. ओके सो हम लोग इसलिए क्यू को हमने कैसा रखा है, पॉजिटिव. द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द स्पेस अराउंड द चार्ज, जब उसे स्पेस में रखेंगे. तो अगर स्पेस में नहीं रखेगा तो हमें कैसे पता लगेगा, अगर वो एक पावरफुल इंसान खड़ा हो जाए वो कहने लगे कि मैं पावरफुल हूं तो उसके कौन सुनेगा, जब तक उसके सामने कोई इंसान नहीं आएगा. अब या तो उससे ज्यादा ताकतवर इंसान आए या उससे हल्का इंसान आए, कैसे भी रहे लेकिन सामने को किसी ना किसी को आना जरूरी है, और वो जब आएगा तभी उसे उसकी ताकत का एहसास होगा यानी कि वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. ओके तो इसकी यूनिट क्या बनी हमारे पास, जनरल यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स अपॉन चार्ज हमारे पास बना है, तो फोर्स की यूनिट जनरली क्या होती है, न्यूटन. चार्ज की क्या होती है हमारे पास, कूलम. सो इसकी यूनिट जो हमारे पास बनी है न्यूटन पर कूलम. आगे जाके आप एक चैप्टर में इसकी जो यूनिट पढ़ेंगे उसकी यूनिट हमारे पास एक और आएगी आपके पास, वोल्ट पर मीटर. ये भी ध्यान रखना, वोल्ट पर मीटर. वन मार्क्स में कई बार पूछ ली जाती है आपसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, आप देख लो फोर्स की न्यूटन, चार्ज की कूलम, तो न्यूटन पर कूलम. यहां इसे में हमारे पास वोल्ट पर मीटर, ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे यूनिट, लेकिन मैं अभी बता रहा हूं आपको क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है. ओके तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारे पास यूनिट्स है, इसके डायमेंशंस आप निकाल सकते हो, आपके लिए होमवर्क है. फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला रखना, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला रखना, आप इसके डायमेंशन बना सकते हो. अब एक छोटा सा मुद्दा है, एक छोटा सा मुद्दा यहां पर हमारे पास फंस रहा है, वो क्या है, हमारे पास जो ये चार्ज है और जो ये चार्ज है, जाहिर सी बात है ये वाला जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा. ठीक है, ये इस पे फोर्स लगाएगा तो इधर भागने की कोशिश करेगा, लेकिन मुझे अपने सोर्स चार्ज को नहीं हिलाना है. वो एक जगह जहां बैठा है वो कर रहा है कि बेटा अपने एक तरह वो है आराम से बिल्कुल सुस्त इंसान, उसे क्या चाहिए, खाली बैठे जो भी चीज है यहीं से चल भाई दूर भाग, नेगेटिव आया आजा बेटा मेरे पास आजा, पॉजिटिव आया फिर से दूर भाग, वो हिलना नहीं चाहता. अब अगर हिलना नहीं चाहता तो इसका मतलब अगर मुझे रेस्ट में बनाना है तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स को बहुत कम करना पड़ेगा, और अगर फोर्स को बहुत कम करना है तो मुझे इसका मतलब इसका जो खुद का मैग्नीट्यूड है जो ये लगाएगा फोर्स उसको बहुत कम करना पड़ेगा. तो इसलिए जो इसका लिखने का एक तरीका है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो एक ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन होता है, मैं इसे लिखूंगा एग्जैक्टली इस तरीके से कि इज इक्वल टू लिमिट क्यू ट्रेंड्स टू जीरो एफ अपॉन क्यू, जहां पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास फंक्शन, ये लिमिट वही है, आप 11th में आप पढ़ के आते हैं अपने लिमिट्स वाले चैप्टर के अंदर. तो इसका मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि क्यू की वैल्यू आपने इतनी छोटी कर दी है, इतनी छोटी कर दी है कि ये इस पे लगाने वाले फोर्स को इतना इफेक्ट नहीं करेगा, लगभग लगभग हमारे पास वो रेस्ट में ही रहेगा. प्रैक्टिकली देखा जाए तो पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम अप्रोक्सीमेशन में हम ले सकते हैं कि हाँ वो लगभग रेस्ट में रहेगा, जिस वजह से हमारे पास हम इसके इफेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं.
ओके तो इस सोर्स चार्ज के रेस्पेक्ट में आपने क्या क्या चीजें आपने देखी, जरा एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, ये अपने चारों तरफ एक फील्ड रीजन बनाएगा। ओके दूसरी चीज, जितना इसकी स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा उतना ही इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, यानी जितना चार्ज की हम वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, दोनों का ग्राफ। तीसरी चीज, जितना मैं इससे दूर जाता रहूंगा, जितना मैं इससे दूर जाता रहूंगा उतना चार्ज की उतना इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मेरे पास डिक्रीज होती जाएगी, ये आपके पास थर्ड चीज। फोर्थ एंड फाइनल, हमारे पास इस चार्ज की जो टेस्ट चार्ज है इसकी वैल्यू एक बहुत श्योर होनी चाहिए ताकि इस पे लगने वाला फोर्स को वो अनइफेक्टेड करे। सो इट्स ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज से हम लोग जितने भी हम टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वे एक बहुत शॉर्ट अमाउंट में हम लोग डिस्कस करेंगे, शॉर्ट अमाउंट से कहने वाला बहुत छोटे छोटे टॉपिक मैं लेके आऊंगा ताकि एक छोटी छोटी वीडियोज आपके पास पहुंचे, क्योंकि यहां पर नेटवर्क का बहुत इश्यू है इसलिए मैं लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकता हूं। नहीं, यहां पर भी मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर सकता था लेकिन नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से लाइव स्ट्रीमिंग पॉसिबल नहीं हो पा रही है। तो आगे तक जितनी भी वीडियोज आपको मिलेंगी एक छोटे छोटे लेक्चर के लिए थ्रू आपको मिलेंगी। इसमें अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख के छोड़ दें या मुझे आप व्हाट्सअप कर दें। तो आज के बाद अब जब भी अगर आपको नेक्स्ट लेक्चर होगा तो इसमें छोटे छोटे एक वीडियो के टर्म में आपके पास आएगा। ओके थैंक यू वेरी मच।